स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर सेवन्थ क्लास थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है इल्साफिस और गोपाल के बारे में। तो गोपाल को राजा ने चैलेंज किया है कि इल्साफिस को लेकर आओ, लेकिन दरबार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इल्साफिस को लाया गया है, और गोपाल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो क्या होता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेविंग, आपका चेहरा हाफ सेव क्यों किया हुआ है, यानी कि चेहरे पर हाफ सेविंग क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ एक मछली को खरीदने के लिए। आई एम ड्रेसिंग अप, मैं तैयार हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, बाय फिश, एक मछली को खरीदने के लिए। वट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, यानी कि क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है। वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद ऐश, तुम अपने आप को राख से क्यों मसल रहे हो। स्मेरिंग योर सेल्फ, अपने आप को क्यों मसल रहे हो, क्यों रगड़ रहे हो, विद ऐश, राख से, तुम अपने आप को राख से क्यों मसल रहे हो। आई टोल्ड, मैंने कहा, यू, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्साफिस, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्साफिस को खरीदने के लिए, यानी कि इसकी वाइफ इसे पूछ रही है कि हाफ सेव क्यों किया है, फिर ये अपने चेहरे पर राख मल रहा है, तो तुम अपने चेहरे पर राख क्यों मल रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक हिल्साफिस खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ, या अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी, मुझे सुनो, प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, यू कांट पॉसिबली, तुम संभवतः गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल, इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, आप ये क्या किए जा रहे हो, यानी कि आप इस डिसग्रेसफुल तरीके से, इस तरीके से, इस अजीब ढंग से आप बाहर नहीं जा सकते। ग्रैग्स, इतनी बुरी स्थिति में, इतनी बेकार कंडीशन के अंदर आप बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, आप ये क्या कर रहे हो। हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, वुमेन, औरत, आई एम आउट टू बाय ह्यूज हिल्साफिस, मैं बाहर एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल मछली खरीदने के लिए जा रहा हूँ। यानी कि बहुत अजीब बना लिया, खुद को हाफ शेविंग कर लिया, खुद के ऊपर राख मल ली, तो ऑब्वियसली डिसग्रेसफुल हो गया ना, शालीन नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसके वाइफ इसे रोक रही है, लेकिन क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है औरत कि मैं बाहर जा रहा हूँ एक हिल्साफिस को खरीदने के लिए। इट इज हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड, इट इज हैपन टू हिम, इसके साथ कुछ तो घटित हुआ है। ही इज गॉन मैड, ये पागल हो चुका है, मैड मतलब पागल होना, ये क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, इसके साथ समथिंग हैपन, कुछ तो घटित हुआ है। गोपाल बाउट द हिल्साफिस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड द पैलेस, गोपाल ने हिल्साफिस को खरीदा एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड द पैलेस, और महल की तरफ चल दिया, यानी कि महल की तरफ वो आने के लिए तैयार हो गया। मदर लुक एट दैट मैन इज नॉट द कॉमिकल, मदर लुक एट दैट मैन, माँ उस आदमी को तरफ देखो, इज नॉट ही कॉमिकल, क्या वो कॉमिकल नहीं लग रहा। कॉमिकल का मतलब क्या होता है कि क्या वो एक नाटकीय अंदाज में नहीं लग रहा, क्या वो एक पागल इंसान के जैसा नहीं लग रहा, उस आदमी को देखो, ही मस्ट बी ए मैड मैन, है निश्चित रूप से एक पागल आदमी है। गोपाल अपनी मदर को बोलता है यहाँ पर कि माँ उस आदमी को देखो कि क्या वो कॉमिकल नहीं लग रहा, तो ही मस्ट बी ए मैड मैन, वह तो पागल, निश्चित रूप से पागल आदमी है। हश, आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, हश, मैं तो सोचता हूँ, ही इज ए मिस्टिक, यह एक रहस्यमय इंसान है, यानी कि इंसान कैसा है, शायद इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई है, बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचा, वट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो उसने क्या कहा, वट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ये किसने बना रखी है अपनी शक्ल, गोपाल ने बना रखी है, ये अपनी माँ से पूछता है, माँ उसको बोलती है कि बिल्कुल पागल आदमी लग रहे हो। तो गोपाल कोर्ट में पहुंच गया, अब वो दरबारियों से पूछता है, तो दरबारी कहते हैं कि क्या चाहते हो, तो उसने दरबारियों को जवाब दिया कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, गेट अवे विद यू, यहाँ से बाहर चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जोर जोर से डांस करने लग गया, डांस करना शुरू कर दिया, सिंग लाउडली, जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे एक बार के लिए बाहर फेंक दो, यानी कि इनसाइड द पैलेस, अब महल के अंदर की बात बताई जा रही है। राजा बोलता है कि द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल है क्या, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे यहाँ से बाहर फेंक दो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन,
लेकिन वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, मुझे अंदर है, जाने दो, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एक बार मेरे पास है, ले आओ, यस योर मेजेस्टी, ठीक है महाराज। यानी कि दरबारी ने जाकर के राजा को ये बात बताई, तो राजा ने क्या बोला कि उस आदमी को मेरे पास है, ले आओ, यस योर मेजेस्टी। दरबारी ने कहा कि ठीक है महाराज। गोपाल वाज ब्राउट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, यह गोपाल है। द मैन हैड लॉस्ट इज माइंड, उस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, यानी कि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, मुझे लगता है वह कोई क्रेजी पागलपन वाले मजाक कर रहा है, पागलपन वाले जोक कर रहा है। यह आदमी क्या हो गया है, पागल हो गया है, इसने अपना दिमाग खो दिया है। ऑल राइट गोपाल, ठीक है, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन योर रिडिकुलस फैशन, आउट विद इट, तुम इसके साथ आए हो, वाई आर यू ड्रेस्ड अप, तुमने अपने आप को ऐसी वेशभूषा में क्यों डाला है, इन दिस रिडिकुलस फैशन, इस बेतुके, इस अजीब ढंग के फैशन में तुमने अपने आप को क्यों डाला है। राजा ने उसे पूछा, ठीक है तुम गोपाल हो तो ये बताओ कि तुमने इस तरह के ड्रेसअप क्यों किए, खुद को इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। योर मजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है कि तुम कुछ चीज भूल रहे हो। क्या बोल रहा है कि महाराज मुझे लगता है कि तुम कुछ चीज भूल रहे हो, फॉरगॉटन समथिंग, कुछ चीज भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन इल्सा फिश टूडे, स्ट्रेंजली अजीब है, इनफ पर्याप्त मात्रा में, नो वन सीम्स किसी को नहीं पता था, किसी को दिखाई ना दे, टू बी इंटरेस्टेड, रुचि ले सके इन हिल्सा फिश टूडे, आज के दिन। ठीक है, क्या कोई आज के दिन हिल्सा फिश के अंदर कोई और रुचि ले सकता है। हियर द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए शोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लेकर के महल तक, दरबार में नॉट ए शोल, एक भी आत्मा, एक भी इंसान ऐसा नहीं था, हैज स्पोकन ए वर्ड, जिसने एक शब्द भी बोला हो अबाउट हिल्सा फिश के बारे में। दोबारा देखो ये पैराग्राफ, तो गोपाल ने महाराजा को याद करवाया कि शायद तुम कुछ भूल रहे हो, तो राजा ने कहा कि मैं क्या भूल रहा हूँ, तो उसने, गोपाल ने उसको क्या कहा, अजीब चीज याद करो कि आपने कहा था, नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, कि आज के दिन कोई भी इंसान हिल्सा फिश के अंदर इंटरेस्ट ना ले, चैलेंज किया था ना गोपाल को कि हिल्सा फिश को मेरे पास लेकर आओ और रास्ते में कोई भी एक शब्द भी ना बोले हिल्सा फिश के बारे में, तो इसने अपना अजीब हुलिया बना लिया, क्योंकि इस अजीब ढंग के इंसान को देख करके लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में किसी ने नहीं कहा। तो उसने याद करवाया, महाराज बाजार से लेकर के महल तक, महल से लेकर के कोर्ट तक, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द बोला हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हिल्सा फिश को गोपाल राजा के सामने ला चुका है, कल हमने पढ़ा था कि राजा ने चैलेंज किया था फिश को लेकर आओ और कोई उसके बारे में बात भी ना करे, आज गोपाल वही सब चीजें उसके सामने लेकर आया है और किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट क्या होता है वो अपने पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, अपना चैप्टर रीड करो, थैंक यू सो मच।